फिलिप के पास, किसके पास जाते हैं? ब्रांच मैनेजर के पास में ढुकने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ब्रांच मैनेजर के पास में ढुकते हैं, ब्रांच मैनेजर के पास आपका पूरा प्रक्रिया फिलअप होता है। पूरा प्रक्रिया फिलअप होने के बाद उसकी मर्जी हुई तो आपको लोन देगा, उसकी मर्जी हुई तो लोन नहीं देगा। मतलब किसके पास जाते हैं एक्चुअली? ब्रांच मैनेजर के पास हम लोग जाते हैं लोन लेने के लिए। हमारी कंपनी भी जिस जिस व्यक्ति ने डिवाइस लिया, जीवा मैडम ने डिवाइस लिया है, हमारे धनंजय साहब ने भी डिवाइस लिया, और भी सारे लोग जो डिवाइस लिए हैं, आपने कभी सोचा कि कंपनी ने आपको क्या ऑनर दिया है? कंपनी ने आपको ब्रांच मैनेजर बना करके आपको एक मशीन दिया है जहाँ पे आप लोगों को अनसिक्योर्ड लोन दे सके, लेकिन आप उस वैल्यू को समझ ही नहीं पा। आपके पास एक डिवाइस है जहां से आप लोगों को लोन देगा, अनसिक्योर्ड लोन, जबकि बैंक में जाते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलता है। बैंक आपको तभी लोन देता है जब आपको उसको कुछ ना कुछ गारंटी, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखेंगे या तब आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी ने बैंक मैनेजर का नौकरी लेने के लिए बहुत पावर मिलना पड़ता है, खास करके सरकार के प्राइवेट तो चले, लेकिन हमारी कंपनी ने आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी अपनाया और आपको एक पोस्ट मशीन दिया जिससे आप लोगों की लोन दे सके, यानी आपका महत्व ब्रांच मैनेजर का। लेकिन हम लोग इस महत्व को समझे नहीं पाते, ठीक है, गलती मेरी, मैं पागल हूँ,